सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। नहीं धूप का हम ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। नू सारी तैयारी कर ली ना, आज तेरी एग्जाम्स है। हाँ आत्या, मैंने सब कुछ कर लिया है। क्या बात है, तो बता 3 3 कितना होता है? 9। तुझे तो सब कुछ याद है। अरे वैशु, तू जा रही ना जैसे स्कूल छोड़ने के लिए? हाँ। ये देख, ये इसका स्कूल बैग और इसमें मैंने इसके लिए फ्रूट्स काट कर रख दिए। भूख लगे तो खिला देना और अच्छे से एग्जाम देना। हूँ पुन्नू, तेरी एग्जाम्स है ना, आजूबा को नमस्कार किया, जा जल्दी नमस्कार करो। अरे 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 अरे, रहने दे बेटा, जीती रहे मेरी बेटी, जीती रहे। देखना पुन्नू, आराम से पेपर लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। चल पापा का आशीर्वाद लेते हैं। चल पुन्नी, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना, ओके? गणपति पापा, हमारी पुन्नी को आशीर्वाद देना और उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। पापा। अरे पुन्नी। पापा, आज मेरा एग्जाम है और आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? प्रॉमिस? बाबा को अपना प्रॉमिस याद है? अगर पुन्नी एग्जाम्स में फर्स्ट आती है तो बाबा पुन्नी के लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आएंगे। पुन्नी की बच्ची, अभी एग्जाम देने कौन जाएगा, यहाँ पे बातें करते रहेगी। सबको बाय करो जल्दी से। बाय 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 पुन्नी। आज मेरा टिफिन अभी लेट हो, अभी लाती हूँ, अभी लाती। रुको, सेंट जूडे स्कूल आओ पुन्नी, बैठो। अर्जु, तू इकड़े कशी, ये बैग बैग लेकर? अरे अर्जु, तू आता ही थे भाई, मैं वापस आ गई। अरे लेकिन 3 महीने पूरे होने में तो पूरा 1 महीना बाकी है, तो फिर ये सविता दाई ने कुछ कह दिया क्या तुझसे? नहीं, वो शर्त। भाई, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मैंने आपसे कहा था कि अगर हम वहां जाएंगे तो सविता काकी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अब देखिए, उसी वजह से उन्होंने अर्जुन को घर से निकाल दिया। दादा, आप उस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर आप वहां जाते ही नहीं तो ये बात यहां तक आती ही नहीं। अब आप लोगों के वहां जाने से सविता काकी को तो बहाना मिल गया ताई को घर से निकालने का। सविता जी ने अर्जुन को घर से बाहर निकाल दिया, इस बात का दोष आप लोग मुझ पर मत मढ़िएगा। अरे मैं तो वहां पर सिर्फ अजीत की बहन होने के नाते गई थी, अब इस बात का उन्होंने इशू बनाकर से निकाल दिया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मंजू, हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे, ये तो अर्जुन की किस्मत है जो बार बार उसे धोखा देती है। देख अर्जुन बेटा, ये तो 1 महीने के बाद होना ही था ना, ऐसा समझो कि अब हो गया। अंदर चल।
दूर क्यों भागती हूँ मुझसे? क्यों भूल जाती हो कि मैं पति हूँ तुम्हारा? आपके बर्ताव से तो ऐसा नहीं लगता कि आपको पति पत्नी के रिश्ते की कोई कद्र है। ओह, अरे वाह, ये गूंगी गुड़िया बोलती भी है। ओह, हाँ, इसी को वेना तो कंप्लेंट की थी मेरे खिलाफ। कैसे भूल गया मैं? कैसे भूल गया? अच्छा, अभी अभी तुमने मेरे बर्ताव के बारे में कुछ कहा। बोलो, बताओ मुझे क्या गलत बर्ताव किया मैंने तुम्हारे साथ? अब ये भी मैं ही बताऊं आपको? याद नहीं है आपको, जब रात को आप शराब पी कर आते तो मेरे साथ? भला कोई पति अपनी पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव करता है? अरे दारू पीऊं मी? शराब पीने के बाद तो मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ, कैसे करता हूँ कुछ याद नहीं रहता मुझे, सब भूल जाता हूँ मैं। चलो बताओ, बताओ बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ, come on, tell me, come on, सांग, सांग, माला, सांग, सांग ना। अरे भाई, गलती तभी सुधारी जा सकती है जब उसका एहसास दिलाया जाए, है ना? अब तुम मुझे एहसास दिलाओ, बताओ, बताओ मुझे, अभी इसी वक्त बताओ, बताओ। अजीत, अजीत, चलो ठीक है, बाद में बता देना, लेकिन बताना जरूर। ओके, क्या बात है आई? बड़ी खुश लग रही है तू? खुशी की तो बात है, तू सुनेगा तो तू भी बहुत खुश होगा। तू बता जल्दी। आज सविता ताई ने अर्चना को घर से बाहर निकाल दिया। यस। क्या? अरे क्या बात कर रही है तू? लेकिन ये अचानक कैसे? अजीत बेटा, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, हर चीज को मैनेज करना पड़ता है। मैंने भी वही किया, ऐसा जोर का झटका दिया सविता ताई को कि एक झटके में अर्चना का काम तमाम। तुमने किया क्या? मैंने, आई तू ग्रेट है, ग्रेट, थैंक यू, सिंपली ग्रेट। ये बात तुझे यहाँ नहीं, पॉलिटिक्स में होना चाहिए। अरे तेरे दिमाग में इतने खतरनाक आइडियाज आते कहाँ से? अजीत, आज मैंने एक तीर से दो निशाने साधे हैं, एक अर्चना और दूसरी वर्षा। वर्षा? पर तिचा का संबंध? ये आली थी नहीं थे? वर्षा यहाँ आई थी? हाँ, और मुझे धमका रही थी, वंदिता के शरीर पर जो घाव है वो मैं महिला समिति के सामने दिखाऊंगी। शायद वंदिता पर बहुत हमदर्दी आ रही थी उसे। मैंने भी बोला ठीक है, अगर तुम्हें आंसू पोंछने का इतना ही शौक है तो मानो की बहन के क्यों, अपनी बहन के आंसू पोंछो। और फिर मैंने भिजवाया अर्चना को उसके पास आंसू पोंछने।
जी सुनिए आई और अजीत साहब हम साहब बाहर गए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। हेलो। हेलो वर्षा, मैं वंदिता बोल रही हूँ। वंदिता तुम? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसलिए तुम्हें फोन किया। हाँ बोलो ना। आज सुबह तुम आई से मिलने के लिए आई थी ना? हाँ मैं आई थी। उस बात को लेकर अजीत की आई ने बहुत ड्रामा किया और उन्होंने आई को फोन किया और आई को फोन करके कहा कि अर्चना वैनी को घर से निकाल दे। वर्षा प्लीज प्लीज तुम कुछ करो। वर्षा, अर्चना वहिनी बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सिवाय दुख के कुछ भी नहीं देखा है और कुछ ही पल तो बचे हैं उनके दादा के साथ, कम से कम वो तो सुकून से जी सके वो। वंदिता वंदिता देखो मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। और तुम कैसी हो? बस मर नहीं सकती इसलिए जिंदा। पैसों की जरूरत है यार, 2-3 लाख रुपए, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। यार की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अचानक से पैसे की जरूरत आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्चना क्या करूं। तुम्हारे साथ होने का ख्याल ही मेरी हिम्मत का ये गुना बढ़ा देता है। ताई, क्या हुआ? तू यहां पर ऐसे बैठकर क्या सोच रही है? तुझे जीजू की याद आ रही है? वर्षु, कुछ बातें ऐसी होती है ना जो हम जानते हैं कि वो होने वाली और वो कभी टल नहीं सकती, लेकिन हमारा मन उन बातों को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अब तू ही बता वर्षु, मैं जानती थी कि मैं कभी ना कभी मानव को छोड़ के उनके घर को छोड़ के इस घर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे आज तकलीफ हो रही। ताई तू वर्षु, मैं सच कह रही, मैं मानव के साथ अपने लिए नहीं रहना चाहती, मैं उनके साथ उनके लिए रहना चाहती थी। वो बहुत तकलीफ में है वर्षु, उन्हें मेरे साथ की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत। अर्चना का साथ एक ताकत देता है मुझे, तो वो साथ होगा तो लगता मैं कभी हार ही नहीं सकता, भले ही वो कुछ ना करे। उसकी बातें मुझे एक अजीब सी उम्मीद देती है, एक अजीब सा साहस देता है। आज जब वो नहीं है ना, बहुत अकेले होंगे वो वर्षु। मैं जानती हूँ कि उनके आई बाबा सब लोग हैं उनका ख्याल रखने के लिए, लेकिन पत्नी पत्नी होती है। मुश्किल के समय में पत्नी का साथ हथियार का भी काम करता है और हर मरम का भी। ये मैंने महसूस किया है तर, महसूस किया। मैं जानती हूँ कि हमारे रिश्ते की उम्र सिर्फ 1 महीना है, लेकिन मैं अब इस 1 महीने में मानव के साथ रहना चाहती थी उनकी बनकर। मैं ये दावा नहीं करती वर्षु कि मैं उनकी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगी, लेकिन फिर भी वर्षु मैं अपनी पत्नी होने का कर्तव्य निभाना चाहती थी और कुछ नहीं। ताई तू वो सब अभी भी कर सकती है, उनके पास जाकर उनके साथ रहकर। नहीं वर्षु, आई नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं। ऐसा कुछ नहीं है ताई, मैं मानती हूँ जीजू की आई तुझसे लाख नफरत करती है, लेकिन फिर भी ताई इस बार तुझे घर से निकलने वाली वो नहीं है।
मतलब तू? वंदु का मुझे फोन आया था और वो बता रही थी कि ताई उन्होंने ही किया ये सब कुछ। मैं उन्हें जाकर कुछ उल्टा सीधा बोलकर आई थी ना, उसका बदला वो इस तरह से ले रही है। ये रसिका ताई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि उन्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूं। नमस्ते, मैं वर्षा करंजकर, मुझे आपकी महिला समिति की मेंबर बनना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जैसी यंग लड़कियों की इस आंदोलन को बहुत जरूरत है। ये हमारा फॉर्म है, इसे भर लो और अंदर जाकर हमारी प्रेसिडेंट रसिका ताई की साइन ले लो। बस तुम्हारी मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे महिला समिति की मेंबरशिप चाहिए। फॉर्म मैंने भर दिया है, आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है। बोलो। मेरी बहन अर्चना, उसकी सास उसे बहुत तंग करती, उसके साथ बहुत अन्याय किया है उसने, उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसकी वजह क्या है ये तो आप अच्छी तरह जानती होंगी, और महिला समिति की अध्यक्ष होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि आप उसकी मदद करें, उसे न्याय दिलाएं। तुम्हारी बहन को घर से बाहर क्यों निकाल दिया है ये मैं कैसे जान सकती हूँ? बिल्कुल जान सकती हूँ, क्योंकि ये सब आप ही ने तो करवाया है। रसिका ताई, अगर आपने मेरी बहन के लिए कुछ नहीं किया, उसे न्याय नहीं दिलवाया, तो मैं वही वंदिता वाला इशू सबके सामने लाकर रख दूंगी, और उसका नतीजा क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। साइन। पैसों का इंतजाम हो जाएगा बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिए, कोई कमी नहीं रखेंगे हम। देख मां, वंदु को कुछ ना कुछ तो देना चाहिए, ये तो मैं भी मानता हूं, लेकिन उसकी सास ने हमसे जो मांगा है वो तो हमें मुमकिन नहीं है। हमसे जो बन पड़े उतना ही हम देंगे। सिर पर कर्जा लेके बस में निभाना कोई जरूरी नहीं है। आखिर ये राजी खुशी का मामला है, कोई जोर जबरदस्ती तो है ही नहीं ना। अरे नमस्ते रसिका ताई, आप अर्चना बेटा जरा अंदर तो आना। सहारे रहेंगे नजदीकियां।